महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर में विज्ञान क्लब के तत्वाधान से आयोजित विज्ञान प्रदर्शनी दिनांक 14 अगस्त से लगाई गई है। 14 अगस्त को यह विज्ञान प्रदर्शनी शिक्षकों के अवलोकन हेतु रखी गई थी, जिसमें 3 निर्णायक मंडल के द्वारा इसका मूल्यांकन भी किया गया। 16 अगस्त को यह छात्रों के अवलोकन हेतु खोली गई और आज ही इसके निर्णय को सुनाया गया है। इस विज्ञान प्रदर्शनी में हमारे कक्षा 6 से लेकर 12 तक के छात्र क्रियाकारी मॉडल, नेचुरल बेस मॉडल और कुछ स्थिर मॉडल बनाते हैं। इसमें क्रियाकारी मॉडल में छात्रों ने विभिन्न प्रकार के मॉडल बनाए, जैसे सोलर साइकिल, मल्टी यूज क्विज बोर्ड, कूलर ऑटोमेटिक, अलार्म इत्यादि बेस्ड मॉडल बनाए। निर्णायक 3 शिक्षकों के निर्णायक मंडल ने इसका निर्णय किया, जो निर्णय इस प्रकार है। इसमें अंजल यादव प्रथम स्थान पर रहे। इनके द्वारा एक सोलर साइकिल बनाई गई, जिसमें GPS, अलार्म, ब्रेक सिस्टम, ऑटोमेटिक यह सब दिया गया है, सोलर पैनल के बेस पर आधारित। यह क्रियाकारी मॉडल इन्होंने ओरिजिनल साइकिल पर सोलर पैनल लगाकर बनाया, जो कि काफ़ी आकर्षक दिखाई दिया। इसके अलावा द्वितीय दिव्यांशु जायसवाल रहे, जिन्होंने विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित एक स्ट्रीट लाइट द्वारा सौर ऊर्जा और ऑटोमेटिक स्विच ऑन ऑफ, ये सौर ऊर्जा पर आधारित होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पर बेस्ड है। और तृतीय स्थान एक वाटर साइकिल, जो नेचुरल बेस्ड क्रियाकारी मॉडल है, इसको तृतीय स्थान दिया गया। ये रितेश कुमार प्रजापति 11th क्लास का छात्र रहा। इसी तरह जूनियर वर्ग में भी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया गया। जूनियर वर्ग में छात्रों ने स्थिर मॉडल बनाए थे, लेकिन वो भी काफ़ी अच्छा सराहनीय प्रयास छात्रों का था। और इनमें जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आया है, वो जिला स्तर की विज्ञान प्रदर्शनी में जो शासन के द्वारा आयोजित होती है उसमें प्रतिभाग करेगा, और उसमें यदि वो स्थान पाता है तो इसी तरह आगे वो मंडल स्तरीय और राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी तक जाएगा। विज्ञान क्लब का सदस्य मैं विष्णु कुमार सिंह, विज्ञान शिक्षक। मेरे दाहिने तरफ श्री कुंवर लाल प्रताप सिंह, ये भी विज्ञान शिक्षक हैं, जिनका इस प्रदर्शनी में बनवाने में छात्रों को काफ़ी सहयोग रहा। श्री धर्मेंद्र कुमार जी, ये भी प्रवक्ता विज्ञान क्लब के सदस्य हैं। इन विज्ञान क्लब में और भी सदस्य हैं, इन सदस्यों की सहायता से इन छात्रों ने ये विज्ञान प्रदर्शनी आयोजित की गई है। मेरा नाम अमरीश गुप्ता है और क्लास 10th के हम स्टूडेंट हैं। हम मिनी प्रोजेक्टर बनाए हैं, जैसे मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगे मिनी प्रोजेक्टर हैं, ये घर पर ही आसान से बन जा रहा है। इसमें लेंस का प्रयोग किए हैं बल्ब द्वारा। माय नेम इज हर्ष भारती, मैं कक्षा 7 का पढ़ने वाला हूँ। मैंने एक फ्यूज बोर्ड बनाया है जो क्वेश्चन का सही आंसर देता है और उस पर लाइट जल जाती है। यह इसका आंसर, तो इस पर लाइट जल गया। क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन बताइए। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश, तो इस पर जो आंसर रहेगा उस पर लाइट जल जाएगी। कौन है उत्तर प्रदेश के सीएम? योगी आदित्यनाथ। मेरा नाम मनोज निषाद है, मैं क्लास 7 का छात्र हूँ। मैं लंग्स बनाया हूँ। ये सांस देखिए, सांस लेने में मदद करता है, सांस लेने में हम लोग का मदद करता है। इससे आप क्या शो कर रहे हैं? इससे हम लोग का सांस लेने में मदद करता है, जो हम लोग सिगरेट वगैरह पीते हैं, हम लोग का फेफड़ा जो है खराब हो जाता है, तो नुकसान करता है हम लोग को। तो न हम लोग सांस लेने में न सांस हम लोग अच्छी तरह से नहीं ले पाते हैं। मैं राजा कुमार सिंह, मैं क्लास 7 ए मानव दांत बनाया है। इसमें क्या मटेरियल? मतलब कच्ची मिट्टी की है। सर माय नेम इज अर्पित यादव, मैं क्लास 7th में पढ़ता हूँ। मैं पेंडुलम बनाऊंगा। तो ये देखिए, स्थिति टूट जा, यहाँ तक स्थिति जैसे हम इसे छोड़ेंगे गति दूर जाकर परिवर्तन कर लेगा। माय नेम इज हिमांशु मिश्रा और मैं क्लास 8 में पढ़ता हूँ। सर मैं हैंड फैन बनाया हूँ। क्या क्या सामान लगाया आपका? सर ये बैटरी लगाया हूँ और सर यहाँ स्विच से चालू होता है।
सर 20-30। माय नेम इज सागर गुप्ता, मैं 8th क्लास में पढ़ता हूँ। सर कैंडी मशीन बनाया मैंने। सर माय नेम इज दिव्यांश चौधरी, मैं क्लास 6A में पढ़ता हूँ। मैं इंडियन फ्लैग बनाया हूँ सर बेस्ट मटेरियल से। सर जैसे कागज पर कोई फेंक देता था तो उससे मैं बनाया हूँ, और सामान मैं अपने तरफ। माय नेम इज रितेश कुमार प्रजापति, मैं क्लास 11th E3 में पढ़ता हूँ। मैं महागाड़ा प्रताप इंटर कॉलेज का छात्र हूँ। मैंने बनाया वाटर सर्कल मॉडल। जब सूर्य की तापमान जब पानी में पड़ती है तो वो इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होकर एयर में जब जाता है तो भाप के रूप में जाता है, तो वो बादल का रूप धारण करता है। बादल के बाद वो पानी बरसता है। ये आप देख सकते पानी बरस रहा है। इसलिए ये प्रोसेस चलता रहता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। धन्यवाद। सर मेरा नाम राज भारती है सर, मैं लेजर होम सिक्योरिटी बनाया है सर। सर ये सेंसर की वजह से काम कर, जैसे कोई आप घर में है सो रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, अलार्म यहाँ लगा है सर, आप घर में भी कार ले जा सकते हैं सर, देखिए कोई आगे पता चल जाएगा सर। ये मोशन सेंसर की वजह से सब काम कर रहा है सर। इसमें बैटरी स्विच चार्जिंग पिन और मोटर ये अलार्म लगा है सर इसमें, और कोई घर में ऐसा पता चल जाएगा सर कोई भी। जी सर इन्फॉर्म कर देगा सर कोई आ रहा है बजने लगेगा। यस कहीं भी सर, इसको ताले कहीं भी लगा सकते हैं सर। मेरा नाम उत्सव कुमार है, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ने वाला छात्र हूं। मैं ज्वालामुखी बनाया हूं। मैं आपको इसको अभी विस्फोट करके दिखाते हैं। ये इनो है, इनो इनो को अभी इसमें डालेंगे तो विस्फोट करेगा ज्वालामुखी। देखिए इनो है और वाटर में कलर मिलाए हैं। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरा नाम अंजल कुमार यादव है, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। सर ये मेरी प्रोजेक्ट है इलेक्ट्रिक बाइसिकल। सर जैसा आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक बाइसिकल मार्केट में तो बहुत है सर, लेकिन इसमें खासियत क्या है कि सर उससे कम कॉस्ट में उससे ज़्यादा फीचर्स हैं इसमें। सर सबसे पहले हम इसका फीचर्स आपको बताएंगे सर। ये चार्जिंग सर अभी चार्जिंग इसमें फिलहाल हो रहा था। इसमें सर 3 चार्जिंग सिस्टम हमने रखा है। सर पहला है सोलर से। सर सोलर के थ्रू ये इसका कंट्रोलर है मॉड्यूल, जिसके थ्रू आप सर सोलर से इसको कनेक्ट करके चार्जिंग कर सकते हैं। इससे आप थ्रू अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं या घर पर आप DC कोई भी इलेक्ट्रॉनिक वर्क आप कर सकते हैं। सर उसके बाद आता है इसमें सर इलेक्ट्रिक के थ्रू। सर इलेक्ट्रिक ये इसका कंट्रोलर है, उसके थ्रू सर आप इसको चार्ज कर सकते हैं। सर उसके बाद आता है तीसरा सर फीचर जो होता है सर हमारा सबसे अट्रैक्टिव होता है सर डायनेमो के थ्रू। सर उसमें आप जितनी पेडलिंग करते हैं सर, जितना ये पेडलिंग ये होगा सर, ये सर देखिए फ्री है दोनों वर्क करता है सर। जितना आप पेडलिंग करते हैं उसके थ्रू सर ये चार्जिंग करने लगता है। सर ये मेन इसका हब मोटर है सर, इसलिए सर डायनेमो का वर्क इसे कंट्रोलर लगा भी सकते हैं सर, डायनेमो का भी वर्क करेगा वो। तो उसके बाद आता है सर इसमें और फीचर्स क्या, सर इसका स्पीडोमीटर है और सर पूरे इलेक्ट्रिक की ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल है तो उसमें अकॉर्डिंग ये फीचर्स आते हैं सर। इसमें सर आपका ये स्पीडोमीटर है, ये सर इसका थ्रॉटल है सर। जैसे सर इसको देख लेंगे सर, ये बस सर उसका सर इसका ये हॉर्न है इसका सर, ये इसका पावर ब्रेक है सर। बहुत ही सर इंपॉर्टेंट था पावर ब्रेक, क्योंकि सर ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल में डायरेक्ट आप नॉर्मल ब्रेक से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं सर। इसके लिए सर इस पावर ब्रेक का काम क्या होता है सर, जब इसको हम यूज़ करेंगे तो सर ये कनेक्शन जो कनेक्शन होता है सर मोटर से और बैटरी सर ये तुरंत कट जाता है सर। सर ऐसे नॉर्मल ये वर्क करेगा, सर ये नॉर्मल वर्क करेगा, लेकिन सर इससे अगर कट कर देंगे सर ये फ्री हो जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग सर ये कनेक्शन कट जाएगा और ये वर्क करेगा। अब आते हैं सर इसकी कॉस्ट प्राइस पे सर। अब सर ये इसकी सर लागत सर ये 18,000 प्लस आती है सर। इसमें फीचर्स क्या हैं सर, और जो फीचर्स हैं सर ये आते हैं इसमें म्यूजिक सिस्टम सर। तो इसमें अकॉर्डिंग सर आप म्यूजिक सिस्टम भी सर आप चला सकते हैं सर। इसमें हमने सर और फीचर्स अपग्रेड करना चाहेंगे सर, इसमें सर हम अपने GPS ऐड करना चाहेंगे इसमें सर। और सर इसमें फीचर्स ये रहेगा कि आपको लोकेट करेगा ये आपकी डायरेक्शन क्या है, और सर उसके बाद अगर आपके साथ बाई चांस कोई एक्सीडेंट या कोई हो जाता है तो आपको इमरजेंसी कॉल या आपके पेरेंट्स या 100 नंबर सर कंप्लेन करता है ये आपको। यस सर, थैंक यू सर। सर जय हिंद, मैं नाम अखिल मेसिया, मैं MP कॉलेज का हूँ, क्लास 12th में पढ़ता हूँ। सर मेरा ये इलेक्ट्रिक लैंप है जो बेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। जैसे सर बाहर मार्केट में ले जाएंगे कोई भी लैंप या कोई भी मॉडल सर, इसमें ये आपका ये है कि बेस्ट मटेरियल से भी बनाया गया है, जो हमारे एनवायरमेंट को बेस्ट मटेरियल से जो चीज़ होता है सर। ये हम इसको बनाए कि सर दो तरह से काम कर सकते हैं, लैंप भी काम कर सकते हैं, 100 पीस वर्क कर सकते हैं। सर बाहर मार्केट में खरीदने जाएंगे 100 पीस
कोई भी सामान खरीदने के लिए सर आपका 250-300 पड़ता है। तो इसमें हमने दो चीज़ कर दिया, या तो लैम्प तरह से काम कर सकता है या 200 पीस कर सकते हैं सर। ये 100 पीस के लिए है सर, इसमें आप बल्ब फिट कर देंगे तो सर इलेक्ट्रिक लैम्प काम कर देगा। यह सर वेस्ट मटेरियल बनाया हुआ है सर। ये कार्डबोर्ड है सर, ये POP है जो हमारे घरों में काम करता है, उसको होता है सर। टिश्यू पेपर है जो ये जुड़ने बाद फेंक दिया जाता है, तो उसके बाद ये बन गया हुआ है। थैंक यू सर। मेरा नाम करण गुप्ता है और मैं 12th B3 का छात्र हूँ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज सिविल लाइन से। और मैंने रोबोट बनाया है। इस आधुनिक दुनिया में रोबोट का बहुत काम आता है, इसको हर फील्ड में यूज कर सकते हैं सर। और इसको इंडियन आर्मी के लिए भी यूज कर सकते हैं, चिकित्सा में भी यूज कर सकते हैं, हॉस्पिटल में, और वेटर की तरह भी कर सकते हैं। मेरा नाम अथु शर्मा, मैं महाराणा प्रताप सिविल लाइन्स गोरखपुर से शिक्षा प्राप्त कर रहा हूँ। आज मैं यहाँ कॉइन ATM बनाया हूँ। देखिए यहाँ से मैंने कॉइन डाला है और यहाँ से मैंने ऐसे डाला तो पैसा निकल रहा है नीचे से, देखिए। मेरा नाम अंकित कुमार है, मैं क्लास 9B3 का स्टूडेंट हूँ और मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। और मैं विज्ञान में बनाया हूँ, सोलर पंप बनाया हूँ जिस इसका मॉडल है, और इससे बहुत किसानों का मदद होता है। यहाँ से सोलर पंप है, ये तालाब है, यहाँ से पानी मोटर खींचता है, टंकी में जाता है, इकट्ठा होता है, जिसमें जितने भी जॉन्स रहते हैं मर जाते हैं, उसके बाद यहाँ खेतों में चलता है पानी। माय नेम इज सुंदरम मौर्य, आई स्टडी इन क्लास 9। मैंने बनाया है विंड मिल एंड स्ट्रीट लाइट। जब फैन घूम रहा है तो ये घरों की लाइटें और सड़कों की लाइटें जल रही है। और जब जैसे ये बड़ी गाड़ियां, जैसे ट्रक ट्रेलर या कोई और बड़ी गाड़ियां चलती है, तो इससे ये घूमता है और बिजली उत्पन्न करते हैं। इसे हम पावर हाउस में कलेक्ट करते हैं और फिर इसे रात के टाइम इसे यूज करते हैं। और रात के टाइम ये वायु से भी घूमेगा, और अगर सोलर पैनल रहता है तो रात में काम नहीं करता, और अगर बैटरी में रखते तो ज़्यादा देर तक ये चलता नहीं। और अगर बिजली वाले खंभे वाले ये अगर रहते सर, तो आपदा पर्यावरण आपदा आने के कारण ये नष्ट हो जाते और ये जलते में इस कारण एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, इसलिए हमने ये बनाया है। सर मेरा नाम करण कुमार है, मैं क्लास 10th में पढ़ता हूँ और हमारा ये एसिड रैन है। और ये जो NO2 और SO2 गैसें यहाँ से निकलती हैं, ये जाकर बादल में मिलती हैं, और यहाँ से NH2SO4 और H43 निकलती हैं। तो यहाँ से तब यहाँ से बारिश होती है और फिर ये हमारे आते हैं सब। ये इसका बारिश का pH मान अगर 7 से कम होता है तब ये एसिड रेन में बदल जाता है, और हमारा नॉर्मल पानी 7 है तो वो एसिड नहीं है, वो पीने लायक है। मेरा नाम महेंद्र मौर्या है, क्लास 9B1 में पढ़ता हूँ, और मैंने ये JCB बनाया है, और ये काम करने के दौरान ये मोबाइल भी चार्ज कर सकता है। सर ये वाटर प्रेशर पर सर काम करता है और इस तरह से हम इसको घुमा सकते हैं सर। जय सर ये पूरा सर मेरा नाम वैभव राज है, मैं क्लास 9 में पढ़ता हूँ। मैंने बनाया DC जनरेटर, जो मतलब इलेक्ट्रिसिटी मतलब फ्लो कर रहा है वो चेक करता है। कंडक्टर जो बेस्ट कंडक्टर है उसी के साथ ही होगा, जैसे कि सर ये ग्रेफाइट है तो इसमें हो जा रहा है। हाँ कंटिन्यूटी टेस्टर बनाया है, कंटिन्यू है कि नहीं। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम दिव्यांशु जायसवाल है, मैं कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। मेरा प्रोजेक्ट है सर स्ट्रीट लाइट, यह मॉर्निंग में मूव नहीं करेगा, ये नाइट में मूव करेगा सर। दिखा
सर अगर सूर्य का मतलब प्रकाश पड़ेगा तो क्या मूव करेगा? जैसे ही इसे सूर्य की किरण मिलेगी सर तो ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा। जब 12 घंटा हमें सूर्य की किरण मिलेगी तो ये चार्ज होगा बैटरी, और वही 12 घंटा नाइट में ये ऑटोमेटिक जब 5 बजे के बाद सनलाइट इसे नहीं मिलेगी सोलर पैनल पे तो ऑटोमेटिक ये जलेगा। अंधेरे होने पे मूव करेगा, उजाला भी मूव नहीं करेगा। इससे सड़क दुर्घटना नहीं हो सकता है। शमशान इलाका जो है जो प्रसिद्ध हो गया है उस रास्ते से नहीं लोग गुजरते हैं, घूम घाम के जाएंगे, उसके लिए इसका प्रयोग है। इस तरह हम दोनों लोग मिलकर ये वायरलेस पावर है, ये एक ऐसे विदाउट वायर के इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी पावर को विदाउट सर चुंबकीय क्षेत्र मतलब जैसे ये हो गया विदाउट वायर के कैसे इलेक्ट्रिसिटी पावर फ्लो होता है उसके लिए। जैसे इसमें मैं इसमें धारा बहवाई जा रही चालक में तो इसमें इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो इसके आसपास उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र है, और जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी पावर इसमें जनरेट हो रहा है, तो बल्ब जल जा रहा है। माय नेम इज प्रिंस कमलेश गुप्ता एंड मैंने बनाया हूँ एटीएम मशीन। तो एटीएम मशीन में ये दो टोकन मिलेंगे आपको, ये 5 वाला ये 10 वाला। तो अगर आप 10 वाला डालेंगे तो 10 रुपीज निकलेगा, 10 रुपीज निकला। ये अगर आप 5 वाला डालेंगे तो 5 रुपीज निकलेगा। मेरा नाम राहुल निषाद है और मैं मराठवाड़ा शिक्षा परिषद में पढ़ता हूँ। मैं कक्षा 9वीं का B2 का छात्र हूँ। मैंने एक मशीन बनाई है जो स्मोक लाइटिंग मशीन, स्मोक के द्वारा लाइट शो किया जाएगा। जैसे कोई इवेंट उवेंट हो गया, कोई भी कुछ हो गया, स्मोक के द्वारा लाइट शो किया जाएगा। यहाँ पर स्मोक जलाया जा रहा है और यहाँ लाइट निकल रही है, जो कलर लाइट जो है कलर कर दे रही है स्मोक को, वो लाइट शो हो जा रहा है स्मोक का। कोई इवेंट हो गया भविष्य में तो इसको लाइट शो दर्शाया जाएगा। जैसे झंडा कलर बनाना हो तो यहाँ झंडा कलर 3 कलर में हम बना देंगे और झंडा रिप्रेजेंट कर देंगे। मेरा नाम अंश गोंड है, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं क्लास 6 में हूँ और मैं वाटर पंप बनाया हूँ। थोड़ा पाइप हिल रहा है इसी वजह से पानी से नहीं आ रहा है। यस सर इसी। माय नेम अभय प्रजा सिंह, क्लास 6। मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। हमने कूलर बनाया है। मेरा नाम राजवी निषाद, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ता ही है। मैंने कूलर बनाया है। मेरा नाम किशन निषाद है, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं 6 के विद्यार्थी हूँ। मैंने कूलर बनाया है। कूलर से देख लीजिए, इधर से हवा आता है, इधर से ऊपर से हवा गिरता है, इधर से इस साइड से गिरता है, और इस साइड से हम लोग इस साइड से पानी डाल सकते हैं। मेरा नाम धीरू गौतम है, मैं क्लास 10B5 में पढ़ता हूँ। सर मैं पढ़ने के लिए बनाया हूँ फ्रिज बोर्ड, और जैसे बच्चों को लाइट भाग जाता है तो पढ़ने में परेशानी होता है, उसके लिए मैंने पंखा लगाया है तो पढ़ सकते हैं आराम से चलाकर, और लाइट लगाया है, लाइट अगर भाग जाए तो आराम से बाहर के पढ़ सकते हैं, और मोबाइल आराम से रखे, ऑनलाइन क्लास करना है तो मोबाइल भी रख के चला सकते हैं। माय नेम इज सुरेंद्र निषाद, मैं महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज से पढ़ने वाले बच्चा हूं। ये मैंने टेबल फैन बनाया है। दिव्यांशु जायसवाल, तृतीय स्थान। करण गुप्ता तृतीय स्थान, संयुक्त रूप से तृतीय स्थान करण गुप्ता। धीरू गौतम आलोक पांडे राज भारती, अतुल शर्मा महेंद्र मौर्य, अंकित कुमार शिवम चौधरी राहुल निषाद, शिवम चौधरी, प्रिंस कमलेश गुप्ता, वैभव राज उत्सव कुमार, अंकित मदेसिया अम्बरीश गुप्ता, करण कुमार,
करण कुमार, करण कुमार, करण कुमार, सुदेश प्रसाद, पिता का नाम, पहले करण कुमार पहले बने, क्या नाम है? करण, पिता का नाम? सुंदरम मौर्य, आलोक पांडे, सुंदरम मौर्य, आलोक पांडे, आलोक पांडे, अंश गौड़, सागर गुप्ता, द्वितीय स्थान, यश प्रसाद, द्वितीय स्थान, यश प्रसाद, कृष्ण निषाद, कृष्णा निषाद, राजवीर निषाद, शिवम निषाद, अर्पित यादव, राजा कुमार सिंह, दिव्यांशु चौधरी, आदर्श कुमार ओझा, अभय प्रसाद। अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।